हेलो फ्रेंड्स आप लोग कैसे हैं उम्मीद है सभी लोग खैरियत से होंगे आप ये देखिए ये डिज़ाइन है बहुत खूबसूरत से पिकॉक फिदर जैसे इसकी डिज़ाइन है तो ये डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा जच रही है खूबसूरत सी है और बहुत ही आसान सी डिज़ाइन है और ये किसी भी तरह के लेडीज़ प्रोजेक्ट में बहुत अच्छी लगेगी बच्चों के स्वेटर में भी डिज़ाइन बहुत अच्छी लगेगी और ये जाली वर्क में है ये लेडीज़ कार्डिगन पुलोवर श्रक जैकेट सभी में ये डिज़ाइन बहुत अच्छी लगेगी और ये देखिए ये इसका बैक साइड ये है ये फ्रंट साइड है बच्चों की फ्रॉक वगैरह में भी डिज़ाइन बनाएंगे तो काफ़ी अच्छी लगेगी घेरे में भी इसको डाल सकते हैं नीचे पोर्शन में या भी किसी भी तरह के बच्चों के स्वेटर में भी ये अच्छी डिज़ाइन लगेगी और साथ में सब बहुत अच्छा सा प्रोजेक्ट तैयार होगा तो ये डिज़ाइन बहुत आसान है नौ फंदों में बनने वाली डिज़ाइन है छः सिलाइयों में ही डिज़ाइन बन जाती है तो चलिए डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करते हैं इसके लिए मैंने सिलाई पे नौ नौ फंदे के मल्टीपल से अठारह फंदे और दो फंदे स्टिच के फंदे डाले हुए हैं तो सबसे पहले और फिर एक सिलाई मैंने उल्टी बना रखी है अब आप अब चलिए डिज़ाइन बनाना शुरू करते एक फंदा स्लिप करेंगे एक फंदा सीधा बुनेंगे उसके बाद फंदा आगे करके जाली बनाते हुए एक बार एक सीधा इस तरह आठ बार करेंगे दो सीधा फंदा आगे करके तीन सीधा फंदा आगे करके चार सीधा फंदा आगे करके पांच सीधा फंदा आगे करके छह सीधा फंदा आगे करके सात सीधा फंदा आगे करके आठ सीधा तो ये हमारे फंदे जाली से सब बढ़ जाएंगे। इसके बाद फिर नेक्स्ट हमारा दूसरा पैटर्न बनेगा नौ नौ फंदे का है ये नौ अब ये नौ फंदे में हम फिर से बनाएंगे तो एक फंदा सीधा उसके बाद फंदा आगे करके जाली बनाते हुए एक सीधा फंदा आगे करके जाली बनाते हुए दो सीधा फंदा आगे करके जाली बनाते हुए तीन सीधा फंदा आगे करके जाली जाली बनाते हुए चार सीधा फंदा आगे करके जाली बनाते हुए पांच सीधा फंदा आगे करके जाली बनाते हुए छः सीधा फंदा इसी तरह से ये हमें देखिए एक दो तीन चार पाँच छः फंदा आगे करके जाली बनाते हुए सात फंदा आगे करके जाली बनाते हुए आठ और ये एज स्टिच का फंदा तो ये हमने नौ फंदे नौ नौ फंदे जो हैं डिज़ाइन के बना लिए अब उल्टी साइड में देखिए फल फैस एडजस्टिज का फंदा उतार लेंगे उसके बाद जो उल्टा फंदा एक बनाया था इसे उल्टा बना लेंगे फिर इसके बाद बाकी सारे फंदे पंद्रह फंदे बीच के सीधा बनाएंगे, तो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह और ये पंद्रह ये फिफ्टीन फंदे हो गए पंद्रह फंदे हमारे सीधे बनेंगे फिर उसके बाद एक फंदा उल्टा ये हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया सेकेंड पैटर्न एक उल्टा फिर से हम फिफ्टीन फंदे सीधे बुनेंगे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह और एक सोलह पंद्रह और एक ये लास्ट का उल्टा फंदा और एक एजस्टिज का फंदा तो इस तरह से पंद्रह पंद्रह फंदे सीधे बन गए ये फंदे हमारे डबल हो गए हैं अब हमें इन फंदों को जो फंदे हमारे बढ़े हैं इन्हें हमें चार सिलाइयों में फंदों को घटा देना है तो ये दो सिलाई हो चुकी है अगली दो सिलाई में आप देखिए फंदा स्लिप करके एक सीधा बुनेंगे अब इन दो फंदों का दो फंदे का एक फंदा करेंगे सामने की तरफ से अब इसके बाद बीच में हम ग्यारह फंदे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन और एक इलेवन इलेवन फंदे हम सीधे बुनेंगे अब उसके बाद दो फंदा फिर से हम बैक लूप से दो फंदे का एक फंदा कर देंगे ये दोनों हम बैक लूप से इस तरह से बैक लूप से दो फंदे का एक फंदा कर देंगे तो ये हमारे दो फंदे घट गए अब दो फिर एक फंदा सीधा फ़र्स्ट पैटर्न का दूसरा फंदा सीधा सेकंड पैटर्न का फिर दो फंदे का एक फंदा रिपीट करेंगे पैटर्न फिर ग्यारह फंदे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ये हमारे ग्यारह फंदे हो गए अब इसके बाद ये फंदा हमारा लास्ट का दो फंदा हम बैक लूप से दो फंदे का एक फंदा कर देंगे तो ये हमारे दो फंदे घट गए और एक फंदा सीधा और एक एज स्टिच का फंदा तो हमारे दो दो फंदे दोनों तरफ घट गए हैं अब उल्टी साइड में हम फिर से फंदे को घटाएंगे तो फंदा एक फंदा स्लिप करेंगे और एक फंदा उल्टा बुन लेंगे अब हमें पूरी सिलाई उल्टी बुननी है लेकिन हमें पहले दो फंदे हमें उल्टे ट्विस्ट करके दो फंदे को इस तरह से देखिए ऐसे घुमा लें फंदा घुमाना है कोई भी तरीका अपनाएं तो इस तरह से घुमा के दो फंदे का एक फंदा कर दिया उसके बाद बीच में नौ फंदे नौ फंदे हमें उल्टे बुनने हैं नाइन फंदे उल्टे अब दो फंदे का एक फंदा फिर से हम बना लेंगे ये देखिए इधर का दो फंदे का एक फंदा तो दो फंदा उल्टी साइड में भी घट गया तो दो फंदा सीधे में दो फंदा उल्टे में तो चार फंदे घट गए फिर एक फंदा लास्ट का उल्टा फिर सेकेंड पैटर्न का दो का उल्टा फिर दो फंदे हमें इस तरह से घुमा के दो फंदे का एक फंदा कर लेना है दो फंदे का एक फंदा उल्टा बुन लेना है सारे फंदे उल्टे ही बुने जाएंगे लेकिन बस दो फंदे का एक फंदा उल्टा बुन के बुन के एक फंदा घटाना है फिर एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ और एक फंदा नौ नौ फंदे उल्टे इसके बाद फिर दो फंदे हमें दो फंदे का एक फंदा फिर से करना है ये ध्यान रखना है कि गिनती में कि नौ फंदे उल्टे फिर दो फंदे का एक फंदा, फिर एक लास्ट का एज फंद आखिरी फंदा उल्टा फिर एज स्टिच का फंदा, तो दो सौ सलाई और हो गई तो चार सलाई हो गई पाँचवीं सलाई फंदा स्लिप करेंगे एक फंदा सीधा अब फिर से साइड में दो ही फंदे, फिर से हम घटाएंगे, दो फंदे का एक फंदा सामने से करेंगे अब हमारे फंदे घट के बीच में सात हो जाएंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन सेवन फंदे हो गए इसके बाद अब फिर से हमें दो फंदे का एक फंदा करना है एक दो, दो चार दो छः एक सात अब दो फंदे का एक फंदा बैक लूप से दो फंदे का एक फंदा कर देंगे अब इसके बाद एक फंदा सीधा ये एक पैटर्न खत्म दूसरा पर पैटर्न स्टार्ट फिर दो सीधा दो फंदे का एक फंदा फिर बीच के सात फंदे एक दो तीन चार पाँच छ और ये दो सात फिर दो फंदे का एक फंदा बैक लूप से तो ये टोटल हमने नौ फंदे हमारे थे स्टार्टिंग में उन्हें घटा घटा के हमें नौ फंदे पे फिर से ले आने हैं अब उल्टी साइड में हम ये फिर से सेम फंदे घटाएंगे दो दो फंदे तो फंदा स्लिप करेंगे अब इस सलाई में हमारे नौ फंदे आ जाएंगे फिर दो फंदे हमें एक फंदा उल्टा बुनने के बाद फिर दो फंदे हमें फिर से ट्विस्ट करके घुमा के बुनना है घुमाने का तरीका आप कोई भी अपना सकते हैं तो ये इस तरह से घुमा लिया ये आसान पड़ता है फिर एक दो तीन चार और अब पाँच अब बीच के पांच फंदे बचे तो ये देखिए पांच और ये दो छः सात हो जाएंगे फिर दो फंदे का एक फंदा करेंगे तो आठ होगा और एक लास्ट में एक उल्टा तो इस तरह से ये नौ फंदे फिर से हमारे मेंटेन हो गए अब ये नौ फंदा हो गया अब फिर से एक अब दो फंदे का एक फंदा करेंगे तो दो फंदा हो जाएगा फिर बीच के पांच फंदे मिला के सेवन फंदे हो जाएंगे वन टू थ्री फोर फाइव और ये दोनों मिला के सिक्स सिक्स ये दो सैवन एट हो जाएगा और एक नाइन ये तो नौ फंदे हो गए और एक एजी स्टिच का फंदा तो ये हमारे टोटल नौ नौ फंदे मेंटेन हो गए पहले हमने ए, फंदे बढ़ा के पंद्रह पंद्रह फंदे बीच में कर लिए थे तो यही छः सलाइयाँ हमें बार बार रिपीट करनी है और हमारी डिज़ाइन आगे बढ़ेगी तो चलिए अब हम पहली रो फिर से स्टार्ट करके मैं डिज़ाइन को दोबारा स्टार्ट करके दिखा देती हूँ कि ये आगे डिज़ाइन कैसे स्टार्ट होगी तो फर्स्ट रो जो हमने बनाई थी सेम बनाएंगे फंदा स्लिप करेंगे एक फंदा सीधा फंदा आगे करके जाली बनाते हुए फंदा एक सीधा फंदा आगे करके जाली बनाते हुए दो सीधा फंदा आगे करके जाली बनाते हुए तीन सीधा फंदा आगे करके जाली बनाते हुए चार सीधा फंदा आगे करके जाली बनाते हुए पाँच सीधा फंदा आगे करके जाली बनाते हुए छः सीधा फंदा आगे करके जाली बनाते हुए सात सीधा और फंदा आगे करके जाली बनाते हुए आठ सीधा तो ये हमारी पूरी सलाइयाँ कंप्लीट हो गई फर्स्ट रो का एक पैटर्न सेकेंड रो स्टार्ट हो गया सीधा फंदा आगे करके जाली बनाते हुए एक सीधा फंदा आगे करके जाली बनाते हुए दो सीधा फंदा आगे करके जाली बनाते हुए तीन सीधा फंदा आगे करके जाली बनाते हुए चार सीधा फंदा आगे करके जाली बनाते हुए पाँच सीधा फंदा आगे करके जाली बनाते हुए छः सीधा फंदा आगे करके जाली बनाते हुए सात सीधा फंदा आगे करके जाली बनाते हुए आठ सीधा तो ये हमारे फिर से और एक जिस स्टिच का फंदा तो ये हमारी जो हमने फर्स्ट रो में बनाई थी वो हमने बना ली हमारा नया पैटर्न स्टार्ट हो चुका है अब इसमें हम आगे जो हमने डिज़ाइन बनाई थी सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ में वो उसी तरह बनाते हुए आगे बनाएंगे तो डिज़ाइन हमारी कुछ इस तरह से बनके तैयार हो गई जो इस तरह से दिखाई दे रही आप देख सकते हैं बहुत आसान सी डिज़ाइन है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सी डिज़ाइन है और बहुत ही ज़्यादा गुड लुकिंग है जो भी प्रोजेक्ट में बनाएंगे प्रोजेक्ट बहुत अच्छा बन के तैयार होगा तो उम्मीद है कि आपको डिज़ाइन पसंद आ गई होगी और समझ में भी आ गई होगी कि डिज़ाइन कैसे बनेगी और अब मुझे इजाज़त दीजिए नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर किसी नए डिज़ाइन के साथ आप लोगों से फिर से मिलूँगी कुछ नया लेके आऊँगी आप लोगों के लिए तो आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें अगर आप तक नहीं किया है और आप लोगों का शुक्रिया शुक्रिया बहुत